केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में होने वाले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की तैयारियों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जायजा लिया। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ ने बताया, गृह मंत्री के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली 14 जुलाई को प्रदेश बीजेपी कार्यालय रोहतक में विधिवत रूप से अपना पद ग्रहण करेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी के सहयोगी रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी उनको भी आईना दिखाने का काम किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे का क्या कार्यक्रम रहेगा, इस बारे में बीजेपी चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे का क्या कार्यक्रम रहेगा, इस मेरे साथ हैं भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ, इनसे जानते हैं कि गृह मंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा। जी, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 16 तारीख को महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं और एक ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन है। बहुत भारी संख्या के अंदर पूरे प्रदेश से हमारे ओबीसी वर्ग के सभी नागरिक वहां पर पहुंचेंगे। बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब व तमाम बड़े नेता सब आज महेंद्रगढ़ में उन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं। और इससे पहले कल यानी कि 14 तारीख को हमारे जो नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बडोली जी, वो कल विधिवत रूप से रोहतक के अंदर अपना कार्यालय के अंदर बैठना आरंभ करेंगे। कल वहाँ पर रोहतक में भी एक उनके कार्यालय के अंदर भव्य स्वागत का कार्यक्रम रोहतक में रहने वाला है। मोहनलाल बडोली जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत ही उत्साह बढ़ गया है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता को भी उठा करके प्रदेश अध्यक्ष तक या मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकती है। ये एक उदाहरण केवल भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर सेट कर सकती है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो एक साधारण कार्यकर्ता थे, वहाँ से अपने मेहनत के साथ और लगन के साथ बढ़ते बढ़ते एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। इसी प्रकार श्रीमान मोहनलाल बडोली जी भी एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता थे, किंतु अपनी मेहनत, अंथक परिश्रम और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए आज वो प्रदेश के संगठन के सर्वोच्च पद के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने आज पार्टी का काम कर रहे हैं। सेठ जी, जिस तरह भी आप कह रहे हो कि भाजपा की सरकार तीसरी बार भी बनेगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत 10 साल के कुशासन को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस जो उनका अपना काम है वो करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु अपना सकारात्मक रवैया बिल्कुल बनाए रखेंगे। हम जनता की सेवा के अंदर ये सरकार, ये संगठन निरंतर अपना काम करता रहेगा। उन लोगों का काम, लोगों को बहकाने का काम कांग्रेस कर रही है, वो जनता अब खूब समझ चुकी है। जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। इसी प्रकार का बहकावा केंद्र के अपने लोकसभा चुनाव के अंदर भी कहा था, किंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार केंद्र के अंदर स्थापित हुई। इसी प्रकार प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार बहुमत की सरकार स्थापित होगी और जो बूथ मैनेजमेंट का काम, जो हमारा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, वहाँ उससे परिणाम आएंगे। ये हवा हवाई कार्यक्रम है कांग्रेस के, और इनके तो आप वैसे ही कांग्रेस तब तक बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी और नित्य प्रतिदिन वो खंडित हो रही है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सेठ जी, आप की सरकार के सहयोगी रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री,
उन्होंने आरोप लगाया है कि पीपीपी और प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार है, और इसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, ये उनकी हताशा है। अगर उनको ये चीज़ दिखाई दे रही है, अब दिखाई दे रही है, तो पहले क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? इसका मतलब ये केवल एक राजनीति से प्रेरित बयान है। इस प्रकार का कुछ भी हरियाणा में अंदर इस प्रकार का कुछ भी कमी नहीं है। ये केवल मात्र केवल और केवल उनके नकारात्मक सोच और उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन घर कर गई है, ये उसके दबाव के अंदर ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अन्यथा इस प्रकार का कुछ भी हरियाणा के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सेठ जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी प्रदेश सरकार को विफल सरकार बताया है, क्या कारण है? देखिए, ये सरकार अपने आप को देख नहीं रही है, आम आदमी पार्टी की जहाँ जहाँ भी है, दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर, कितनी विफलता का सामना ये सरकार कर रही है। लोग आम आदमी पार्टी का अगले चुनाव के अंदर नाम लेना भी भूल जाएंगे कि कोई पार्टी थी, क्योंकि ये लोग अपने काम के ऊपर ध्यान देने के स्थान पर दूसरों के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा करके लोगों को गुमराह करने के सिवाय कोई काम नहीं कर रहे हैं। अपनी लकीर बड़ी करने का काम ये नहीं कर रहे हैं, और दूसरे के काम के ऊपर कीचड़ उछालने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। ये थे मेरे साथ भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ। इन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरे के दौरान क्या कार्यक्रम रहेगा। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि मोहनलाल बडूरी कल विधिवत रूप से प्रदेश भाजपा कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।